नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारे वेलकम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त दो बड़े दिग्गज गेस्ट। वन इज अविनाश भाई, हर कोई जानता है। दूसरी साइड में शिवम चौधरी, और मुद्दा है हमारा आज का प्री पोल एनालिसिस फॉर द फर्स्ट फेज, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है, 20th को डेट है। तो हमने कहा कि भाई पहले एक बार प्री पोल एनालिसिस करते हैं, फिर वोटिंग वगैरह क्या होगी उस पर करेंगे। स्टार्ट कर दियो अविनाश भाई से। अविनाश भाई, आपका फर्स्ट कमेंट ऑन द फिफ्थ फेज एनालिसिस। जी नमस्कार सभी दर्शकों को, शिवम भाई नमस्कार और गायत्री जी आपको भी नमस्कार। देखिए, जो पांचवा फेज है, पांचवा फेज में भी विपक्ष कहीं है नहीं। अगर कायदे से देखा जाए तो पांचवें फेज में 49 सीटें हैं, और मुझे लगता है कि इसमें से 2019 में बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी, और 49 में से अगर कोई पार्टी 32 सीट जीतती है तो ये लगभग 65% के आसपास का विन मार्जिन पड़ जाता है। लेकिन जो बीजेपी सीटें हारी थी वो बीजेपी नहीं हारी थी। जैसे देखिए, शिवसेना अलायंस में थी तो 7 सीटें वो जीत गई, तो 32-7 38 हो गई। एलजेपी एक सीट जीत गई थी, जेडीयू एक सीट जीत गई थी, ठीक है, तो 34-7 41 सीटें हो गई। इस तरीके से 49 सीटों में से जो एनडीए गठबंधन था पिछले बार, उसके पास 41 से 42 सीटें थी। इस बार भी वही सिचुएशन है, उसमें बहुत अंतर नहीं है, बहुत परिवर्तन नहीं है। अगर हो सकता है थोड़ा बहुत तो महाराष्ट्र में 1-2 सीट आगे पीछे हो सकती है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि बहुत परिवर्तन है। बीजेपी यहां 1-2 सीटें गेन कर सकती है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। अच्छा, चुनाव कहां कहां है ये समझना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव है, महाराष्ट्र की 13 सीटों पे, पश्चिम बंगाल 7, उड़ीसा 5, बिहार 5, झारखंड 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीटों पर चुनाव है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये चुनाव पूरा होगा तो आप मान करके चलिए कि ये लगभग 428-28 सीटों के आसपास का चुनाव खत्म हो जाएगा। यानी आप ओवरऑल मान करके चलिए कि 2/3 चुनाव हो चुका है, 1/3 चुनाव ही बचा है टोटल ओवरऑल देखा जाए, अगर पांचवें फेज को भी उसमें इंक्लूड किया जाए। अब विपक्ष और असहाय हो गया है, और विपक्ष जितना असहाय होता जाएगा वो बीजेपी के लिए उतना गेन होता जाएगा। देखिए, चुनाव में दो दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक, आपने नरेटिव कितना अच्छा बनाया है। दूसरी चीज है कि जो आपके अपोजिशन में है वो किस तरीके के मुद्दों को लेकर के लड़ रहा है। अपोजिशन के पास एक कंक्रीट मुद्दा ही नहीं है जिस मुद्दे पे वो लोगों से अपील कर सके और लोग घरों से निकल करके उसको वोट कर सके। तो बचा क्या है इस चुनाव में? इस चुनाव में ये बचा है कि जो परंपरागत वोटर हैं किसी पार्टी के, या कैडर के कह लीजिए, या उस पार्टी को समर्थन करने वाले, या एक पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट में पर्टिकुलर जातियां जो समर्थन करने वाली है, वो वोट बचा हुआ है। और चूंकि बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम कंसोलिडेट होकर के उस पार्टी को वोट देना चाहते हैं जो बीजेपी को हरा सके, वो वोट बचा हुआ है। तो चौथे चरण के बाद पांचवें चरण में भी आप गायत्री जी देखेंगे कि विपक्ष कहीं है नहीं। होता तब है जब कम से कम आप मान लीजिए कि 49 सीटों में से 10-15-20 सीटें विपक्ष जीत रहा हो, 10-15-20 सीटें बीजेपी जीत रही हो जो सत्ता पक्ष है, या एनडीए जीत रही हो, और 10-15 सीटें ऐसी हो जहां फाइट हो, अगर इसको सही से अलग अलग इसको डिवाइड करके देखा जाए तो ऐसा तो है ही नहीं। अब विपक्ष ढूंढ रहा है कि हम कहां जीतेंगे। तो जब विपक्ष ढूंढ रहा है, अब जैसे बीजेपी की आप मान करके चलिए कि इन 49 सीटों में से 32-33-34 तक फिक्स है, उसके बाद उसके अलायंस पार्टनर आ जाएंगे, वो उसको 40 लेकर के चले जाएंगे, तो आप 9-10 सीटें कुल ले दे करके आपके पास बचे ही नहीं रही हैं, तो आप कहां फाइट में हैं, ये कहना था मेरा। जी जी शिवम, योर स्टार्टिंग कमेंट्स। जी गायत्री जी, सभी दर्शकों को जय श्री राम। चुनाव बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग फेज में चला गया है कि अब जो एक मैं कह सकता हूँ चुनाव में जो उफान था वो विपक्ष की तरफ से कम ठंडा पड़ गया। विपक्ष के पास सब कुछ ज्यादा बचा नहीं है। जो ये बात हो रही थी अभी, जैसे अविनाश जी ने कहा कि मुस्लिम कंसोलिडेशन के बल पर पूरा का पूरा विपक्ष चुनाव लड़ना चाह रहा था, इस फेज में मुझे लगता है बंगाल को छोड़ के, और बारामूला की एक सीट है जम्मू कश्मीर में, उसको छोड़कर तो कहीं मुस्लिम ऐसा है ही नहीं जो बहुत ज्यादा कंसिडर किया जा सके, जो बहुत ज्यादा टक्कर दे सके बीजेपी अलायंस को। और एनडीए अलायंस इसमें 5-6 सीट छोड़ दीजिए, 700 सीट छोड़ दीजिए, वो भी जब हम बंगाल कंसिडर कर रहे हैं, पूरा का पूरा क्लीन स्वीप हो रहा है, कहीं है ही नहीं। इंडिया अलायंस के लिए कुछ बचा ही नहीं है इस पूरे फेज में, 1-2 सीट किसी
जगह आ रही है कोई छोटी मोटी, वो जो हम डिस्कस करेंगे तो आएगा, तो उससे ज्यादा इसमें कोई बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं। सबसे छोटा फेज है, 49 सीट्स है, उसमें बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, 240 तो पहले आ ही चुका था, इसके बाद इस फेज के बाद वो लगभग मेजोरिटी मार्क कंप्लीट कर लेगी, 2-4 सीट का मार्जिन लेके चल सकते हैं, लगभग 272 के आसपास कहीं ना कहीं बीजेपी आके ठहर जाएगी इस फेज के बाद। तो आप ये मान के चलिए इसके बाद यानी दो फेज बचेंगे छठा और सातवा, बीजेपी जितना गेन करेगी वो उसके ऊपर है, 303 के आगे कितना जा सकती है उसके लिए काम करेगी। तो इस फेज में विपक्ष के लिए बहुत कुछ बचा नहीं। अब प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा छेड़ दिया, उन्होंने मुद्दा ये छेड़ दिया कि विपक्ष 15% जो टोटल बजट था, एक 15-पॉइंट प्रोग्राम बनाया था कांग्रेस की सरकार ने 2004-2010 के 14 के बीच में, कि उसमें से 15% बजट माइनॉरिटी को एलोकेट करने की बात थी। अब उसमें राहुल गांधी ने कह दिया और विपक्ष की तरफ से कहने लगे, और खासकर विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं राजदीप सरदेसाई जैसे लोग वो कूद पड़े, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, 15% की कोई बात नहीं हुई। तो अब उसके ऊपर पूरा का फैक्ट चेक हो चुका है, बाकायदा पूर्व सरकार ने 15% का बजट का 15% ये तय किया था कि वो माइनॉरिटीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई स्कीम निकलती है, सरकारी स्कीम निकलती है, उसमें से 15% पैसा माइनॉरिटीज के लिए जाएगा, और दिक्कत ये है ना आज की सरकारों ने भी उसे कंटिन्यू किया हुआ है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिलती है ना, उसमें 15% का माइनॉरिटी का कोटा है, और माइनॉरिटी में जैन को नहीं चाहिए सरकारी आवास, पारसी को नहीं चाहिए, बौद्ध को नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा कौन लेता है हमें पता है। अगर आयुष्मान कार्ड कोई यूज कर रहा है, 15% का कोटा है, तो कौन यूज कर रहा है हमें वो भी पता है। तो ये मानिए कि देश के संसाधनों का 15% हिस्सा तो वैसे ही उस माइनॉरिटी को जा रहा है, और वो ऊपर से और ज्यादा मांग कर रही है। और जब ये बात उठाई जाती है तो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान हो गया, सेकुलरिज्म को खतरा हो गया। सेकुलरिज्म को खतरा जब नहीं होता, जब आप एक मुफ्त 15% हिस्सा रिसोर्सेज का खींच लेते हैं और बाकी 85 में भी हिस्सा मांगते हैं। तो जब ये इस तरह का नैरेटिव होता है और प्रधानमंत्री इसे आगे रखते हैं कि पूर्व की सरकार ने, देखिए इसमें कहीं ना कहीं इस सरकार की भी मैं गलती मानूंगा, उसे इसे कोर्स करेक्शन करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं किया, क्या ब्यूरोक्रेट्स पुराने हैं, क्या है, जो भी चीजें हैं उन्हें भी इस पर ध्यान देना चाहिए। वो 15% वो ले जा रहे हैं, ये एक सही नैरेटिव अब प्रधानमंत्री सामने रख रहे हैं, तो विपक्ष गायब हो गया है। एक और चीज कह देता हूं, प्रधानमंत्री दिन में 4 रैली कर रहे हैं, 3-3 रोड शो कर रहे हैं, राहुल गांधी 4 दिन में 1 रैली 1 रोड शो कर रहे हैं, और फिर वो ये कह रहे हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता मीडिया के अंदर, हमारे ऊपर ऐसी ऐसी बातें होती है, मीडिया कवरेज नहीं मिलता। भैया आप जाओगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे। अब वो आदमी जिसे ये कहा जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, वो हर न्यूज चैनल को कह रहा है, एनडीटीवी से लेके आज तक से लेके एबीपी से लेके, आओ जो सवाल पूछना है उसका जवाब मैं दूंगा, जिस तरह का सवाल आप पूछना चाहते हो मैं जवाब दूंगा। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस ही एक पैमाना रह गया क्या, कौन सा ऐसा सवाल है जो उनसे नहीं पूछा गया और वो व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा? बल्कि राहुल गांधी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं गई, उनसे जवाब पूछना चाह रहे हैं तो वही कह देते हैं आप बीजेपी की मीडिया हो। आज जब एक सवाल 10 किलो के राशन के ऊपर प्रियंका गांधी से पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने कह दिया कि उनसे जाके पूछिए, उन्होंने जवाब देने से ही मना कर दिया। तो जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो मीडिया बीजेपी की हो जाती है, और जब प्रधानमंत्री जो कैंडिडेट है वो जवाब दे रहा है तो वो लोग कहते हैं कि फिक्स्ड इंटरव्यू है, चिट भी मेरी पट भी मेरी। और फिर इनके जो एनालिस्ट बैठे हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं, वो हर फेज के बाद 20 सीट घटा देते हैं, वो सलीम यादव और ये सब जो लगे हुए हैं ना पूरा का पूरा गैंग, भाई वो 300 से शुरू हुए थे, अगले फेज में वो 272 आए, अगले फेज में वो 250 आए, अगले में 220 आए, आखिरी तक वो 150 सीटों पर रह जाएंगे। और टोटल इतनी बीजेपी की कटनी है जितनी वो दे रहे हैं, ये हालत हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि वो 4 तारीख के बाद, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि भैया अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाओ, वैसे 20-25 साल से वो इसी काम में लगे हुए हैं, क्रेडिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। योगेंद्र यादव एक चुनाव बता दे जो उन्होंने सही किया हो, जितने सेफोलॉजिस्ट बैठे हैं ये एक सही बता दें। और जो एक्सिस माई इंडिया वाले हैं उन्होंने तो साफ साफ कह दिया ना भाई, उनके पास तो सैंपल साइज है ना, योगेंद्र यादव तो कहता है मैं 300 आदमी से मिलकर आया बिहार में और मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी की 10 सीट आ रही है, और वो 30,000 का सैंपल लेके बैठा है। तभी वो ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा उलटफेर नहीं हो रहा, उलटफेर से मतलब ऐसे मतलब इधर का उधर उधर का इधर, वो साफ कह रहे हैं कि कोई उलटफेर नहीं है, बढ़ ही रही हैं सीटें बीजेपी और कंसोलिडेट होकर आ रही है। तो ये फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए राहुल गांधी ने सोच रहा है कि 2-4 करोड़ रुपए एक रैली में खर्च होते हैं, क्यों रैली करी, वही पैसा बचा लूं, क्योंकि अकाउंट वैसे सीज हैं, वो दिक्कतें परेशानियां हैं। तो राहुल गांधी रैली भी नहीं कर रहे, रैली नहीं करेंगे, विपक्ष नहीं दिखेगा, तो और ज्यादा जो सुनामी है वो और बड़ी होकर उनके ऊपर आएगी, और ज्यादा वो डेसिमेट हो जाएंगे। तो बीजेपी एक मोमेंटम के साथ बढ़ रही है, एक बहुत माइक्रो मैनेजमेंट के साथ बढ़ रही है। छोटे से उदाहरण है, जौनपुर की सीट फंसी हुई थी बिहार यूपी में, किस तरीके से मैनेज करके वो सीट निकाल ली गई, किस तरीके से राजा भैया ठीक है अभी बीजेपी के साथ नहीं आए लेकिन वो सपा के साथ भी नहीं गए, वहां से धनंजय सिंह बीजेपी के साथ आ गए। तो माइक्रो मैनेजमेंट एक एक सीट को जो किया जा रहा है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा योगी जी को, जिस तरीके से 80 सीटों को उन्होंने मैनेज किया। मुझे लग रहा है कि मोदी के बाद अगर कोई स्टार है इस चुनाव का, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने 80 सीटों पर ऐसा खेल रचाया जहां 10-5 सीट का नुकसान हो सकता था, वहां 2-4-5 मतलब 75 के आसपास बीजेपी आ सकती है, 80 तो नहीं कहूंगा, 75 के आसपास आ सकती है। तो नंबर वन जो होता है ना, जहां मेडल देते हैं, उसमें पहले स्थान पे, पोडियम पे, पहले पे मोदी जी खड़े, दूसरे पे योगी जी खड़े और तीसरे पे अमित शाह खड़े। आप देखिएगा जब मैन ऑफ द मैच आएगा तो 4 तारीख को यही अवार्ड सेरेमनी में ये तीन ही लोग खड़े होंगे। जी गायत्री जी, हाँ, अवार्ड सेरेमनी में खड़े होंगे और कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग अपने घरों के अंदर क्या बोलते हैं, बाढ़ ला रहे होंगे रो रोकर कि हाय मोदी, हाय मोदी। और गायत्री जी एक और बात, कुछ हाँ कुछ लोगों को घर में रोने का तो मौका मिलेगा, कुछ को तो जेल में रोना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अविनाश भाई, स्टेट वाइज जाते हैं, विल कीप दिस वन वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, क्योंकि मेजोरिटी फैक्टर्स आते हैं अनलेस एंड अंटिल इट इज अ स्टेट स्पेसिफिक, कि हर स्टेट में मुद्दा क्या है मेन और किधर रुझान है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टेट वाइज। जी, बिहार से शुरू करते हैं। देखिए बिहार में मैं आपको बता दूं कि बिहार में है टोटल 40 सीटें, मैं ओवरऑल बिहार का एक खाका खींच देता हूं। बिहार में टोटल है लोकसभा की 40 सीटें। पिछली बार एक किशनगंज बीजेपी हार गई थी और 39 सीटें बीजेपी ने जीता था बिहार के अंदर। इस बार बीजेपी को लॉस नहीं हो रहा है बिहार में। अगर जो थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो वो हो सकता है कि जो नीतीश कुमार की सीटें हैं उसमें 1-2-3 सीटें चली जाए, समस्तीपुर वगैरह है कहीं कहीं ये दिक्कत है इनके पास। तो अब मान करके चलिए कि 34-35 सीटें तो बहुत आराम से एनडीए गठबंधन को बिहार में आता हुआ दिख रहा है जो अभी का सिनेरियो। अब कोई 100 वोट से हार जाए तो मैं उसको नहीं कह सकता हूं, कोई 1000-2000 वोट से हार जाए, चाहे उधर वाला हार जाए चाहे इधर वाला हार जाए, तो मैं उसको भी नहीं कह सकता हूं। हो सकता है कि सारी सीटें बीजेपी जीत जाए, लेकिन आप 34-35 सीटें ऐसी हैं जहां पे एनडीए गठबंधन आराम से बिहार में जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो 5 सीटें, इस 5 सीटों पे भी इस चरण में मुझको नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। क्यों? एक चूंकि बहुत सही दिखाई नहीं दे रहा है आपके स्क्रीन पे, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। देखिए हाजीपुर में कोई दिक्कत नहीं है, सारण में कोई दिक्कत नहीं, मुजफ्फरपुर में कोई दिक्कत नहीं है, मधुबनी में कोई दिक्कत नहीं और सीतामढ़ी में भी कोई दिक्कत नहीं है। इन 5 सीटों पे कोई बीजेपी को फिलहाल दिक्कत नहीं है, है ना, या उनका जो गठबंधन भी जो लड़ रहा है चुनाव। जी जी शिवम, योर टर्न प्लीज। जी कहते जी, बिल्कुल सही, अविनाश जी ने बिल्कुल सही एनालिसिस किया। बीजेपी मुझे वही कह रहे कि शायद 39 भी आ सकती है, लेकिन इतना तो मुझे पक्का है कि 39 तो नहीं आ रही है, कम से कम 2-3 सीटों का नुकसान वहां हो रहा है। और वो ज्यादातर जो नुकसान है वो नुकसान है आपके जेडीयू की तरफ से। बीजेपी हर जगह, हर स्टेट में जहां वो लड़ रही है, जहां वो मजबूत है, वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ चल रही है। ओवरऑल स्ट्राइक रेट बीजेपी का लगभग ऑल इंडिया 75% के आसपास रहने वाला है। वो टोटल जितनी सीटों पे लड़ रही है 75% के आसपास का स्ट्राइक रेट मैं अभी देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है वो जैसे जैसे फेज बढ़ेंगे, चुनाव होंगे हम उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी मुझे 75% का दिखाई दे रहा है। और बिहार में भी वो अपना लगभग 100% देने वाली है। जेडीयू को थोड़ा बहुत नुकसान है और इसमें से हाजीपुर बिल्कुल वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। फिर इसमें एक सीट पे राजीव प्रताप रूढ़ी है, वो तो जॉइंट किलर है, वो तो चुनाव ही आरजेडी की फैमिली जो है यादव फैमिली उसे हराने के लिए लड़ते हैं, तो वो अभी लड़ रहे हैं, वो भी जीत जाएंगे तो बहुत आसानी से जीत जाएंगे। और दूसरी चीज, मुझे थोड़ा लगता है कि जिस तरीके से अभी चोट लगी हुई है, क्या नाम है इनका, भैया जी को, तेजस्वी यादव को, थोड़ा बहुत सिंपथी वोट मिल सकता है, थोड़ा बहुत कुछ बढ़ सकता है, लेकिन विनिंग मार्जिन पिछली बार इतना बड़ा बड़ा रहा था, कितना भी कवर करेंगे तो उस चीज को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए 5 सीट बिहार में बीजेपी के लिए मुझे सेफ दिखाई देती है, मुझे लगता है कि ये सेफ जा रही है। और मेरा एक छोटा सा और दर्शकों से रिक्वेस्ट है, जो देख रहे हो, अगर कोई इन सीटों से आता है और वो अपना फीडबैक देना चाहता है वो भी दे सकता है, ताकि हमें और अच्छे से आइडिया दे। जी अविनाश भाई, जम्मू एंड कश्मीर।
बारामूला में तो मान लीजिए कि शिवम भाई बताएंगे बारामूला की स्थिति सही से बताइए। बारामूला एनसीपी जीत रही है, बीजेपी नहीं जीत रही। वही मुझे भी लग रहा था कि वहां पे बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है बीजेपी। जम्मू वाली जो सीटें हैं वो बीजेपी जीतेगी, जो वैली वाली सीटें जम्मू संभाग की सीटें बीजेपी जीतेगी, वैली की सीटें आपकी ये क्या नाम है इसका एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। जो एक सीट लद्दाख है वो पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार मुझे वो अच्छे प्रोस्पेक्ट बीजेपी के नहीं लग रहे, क्योंकि वहां एक आंदोलन भी चल रहा था, सोनम वांगचुक भी थे और सब चीजें, उन्होंने अपना कैंडिडेट भी बदला, और जो पहला कैंडिडेट था पिछले वाला उसने थोड़ी नाराजगी भी जताई, लेकिन वो कह रहा है कि ठीक है मैं साथ हूं और सब कुछ है। अभी जो कैंडिडेट है वो तारसी ग्यालसन है, मुझे लग रहा है कि उनके लिए थोड़ी स्थिति मुश्किल है, लेकिन कह रहे पिछली बार बीजेपी को 33-34% वोट मिले थे, कांग्रेस को मात्र 16, यानी उससे डबल वोट मिले थे। अब देखना है कि इस मार्जिन को कांग्रेस पाट पाती है या नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे 50-50 लग रहा है, बल्कि बीजेपी को थोड़ा मुझे नुकसान होता दिख रहा है, जो विपक्ष है उसे थोड़ा एज हो सकता है लद्दाख की। जम्मू जो वैली वाली सीट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लद्दाख वाली सीट बीजेपी के हाथ से मुझे जाती दिखाई दे रही है। आगे कुछ चेंज हो जाए अभी 2-4 दिन में तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल मुझे बीजेपी के लिए बहुत स्थिति ठीक है। ठीक बात। झारखंड देखिए, झारखंड में मैं बता दूं हजारीबाग में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लंबे लंबे मार्जिन से बीजेपी यहाँ जीतती रही, बीजेपी की एक तरीके से आप कह सकते हैं परंपरागत सीटों में से एक रही है। यहाँ पे कैंडिडेट बीजेपी ने जरूर बदला है हजारीबाग से, लेकिन वहां बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत लंबे मार्जिन से जीतती है और गठबंधन भी है वहां पे, तो कोई और समस्या नहीं है बीजेपी को। ठीक है, कोडरमा भी ठीक रहेगा, मुझको लगता है कि चैत्रा में अगर हो सके तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है बीजेपी को इन तीन सीटों में, कोडरमा और हजारीबाग में दिक्कत नहीं नजर आ रही। जी, मुझे तीनों ही जगह दिक्कत नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि तीनों ही सीट बीजेपी आसानी से निकाल लेगी, तो ये तीन भी बीजेपी के खाते में जानी चाहिए, बहुत ज्यादा फाइट मुझे नहीं लग रहा। ठीक है कुछ लोकल समीकरण बन जाए तो कुछ है, लेकिन मुझे तीनों में कुछ नहीं लग रहा बीजेपी को ये तीनों सीट जा रही। लद्दाख जी, लद्दाख बता दिया, लद्दाख का तो बता ही दिया। शिवसेना जो बीजेपी का एकनाथ शिंदे वाला ग्रुप है वो लड़ रहा है, तो 7 की 7 सीटें जो बीजेपी लड़ रही है वो तो मुझे सेफ दिखाई दे रही है। जो 6 सीटें हैं वो शिवसेना की तरफ से है, उसके उसमें देखना होगा वो कितना स्कोर करती है। मैं हमेशा से महाराष्ट्र के ऊपर थोड़ा बचता इसलिए हूँ, जो बीजेपी 28 सीटें लड़ रही है उसके लिए तो मैं ठीक है, वो एक आधी सीट का ही नुकसान होगा कुछ होगा, तो लगभग 26 से 27 सीटें तो बड़े आराम से बीजेपी वहां निकाल रही है, 28 भी निकाल सकती है। लेकिन जो दूसरा है एनसीपी है और उसके बाद शिवसेना है, उसमें दिक्कत ये है अब तक कोई वहां पे लिटमस टेस्ट नहीं हुआ है कौन किसके साथ है। ठीक है कोई एक सीट ऐसी होगी जहां से एकनाथ शिंदे के बेटे लड़ रहे हैं, मान लिया वो उनका गढ़ है कल्याण है वो वहां से लड़ रहे हैं तो वो जीत जाएंगे, ऐसी 1-2-4 सीटें तो मैं शिवसेना की मानता हूँ कि वो जीत जाएगी। जो बाकी सीटों पर जहां वो खड़ी है उनके ऊपर वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी ये डिपेंड होगा तब, जब वो चुनाव हो जाएगा तब पता लग जाएगा। और ये सारा का सारा जो चुनाव है, अब मुंबई में से 6 सीटें आती है, जो मुंबई वाला रीजन है उसमें से 6 सीटें आती है, तो 3 शायद सीटें उसके बाहर वाली है जो मुंबई के आउटर पेरिफेरी की आती है, इस तरीके से ये पूरा चुनाव है। तो 7 सीटें बीजेपी है वो तो जीत ही रही है, जिससे पीयूष गोयल लड़ रहे हैं मुंबई नॉर्थ से वो जीत रहे हैं, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्ज्वल निकम जो कसाब वाले केस में लॉयर रहे थे वो भी बड़ी आसानी से जीत रहे हैं, मुंबई साउथ सेंट्रल से राहुल शिवले ये जीत रहे हैं, कल्याण शिंदे के बेटे ये जीत जाएंगे। तो ये कुछ सीटें ऐसी हैं जो तो जीत रही है बीजेपी जीत रही है, लेकिन शिवसेना कैसे परफॉर्म करती है ये देखना होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जितना नुकसान महाराष्ट्र में माना जा रहा है उतना नुकसान नहीं होगा, कवर हो जाएगा, लेकिन मुंबई वाला जो रीजन है उसमें थोड़ा जो मराठा आरक्षण और उसके ऊपर जो अभी हमने पीछे देखा था थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था उसका थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस और वहां के लोकल नेता इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। बीजेपी इसे किस तरीके से कंटेन करती है ये डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, और किस तरीके से जो शिवसेना है उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है ये डिपेंड करता है। इसलिए महाराष्ट्र पे आप ये मानिए कितना भी बड़ा एनालिस्ट हो वो सही निर्णय देने से थोड़ा बचेगा या वो थोड़ा संशय में रहेगा। वोटिंग भी बहुत कम हो रही है महाराष्ट्र में, ये भी एक कारण है, थोड़ा सा होना चाहिए था महाराष्ट्र में, थोड़ी और वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए थी,
तो सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है एकनाथ शिंदे को लेकर के, उसको लेकर के बहुत महाराष्ट्र में खुशी नहीं है। जैसे एक होता है ना कि उत्तर प्रदेश में जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं या हेमंत विश्व शर्मा है महाराष्ट्र में, या बहुत ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ठीक रहता है कि नहीं ये सरकार ठीक है, तो उसकी नाराजगी जरूर इनको भुगतनी पड़ेगी। और मुझको लगता है कि नासिक की सीट पे एक फाइट होती हुई ठीक ठाक दिखाई दे रही है, और मुंबई साउथ में भी अच्छी फाइट होगी। तो ये तीन चार सीटें हैं जहां पे ठीक ठाक फाइट होती हुई दिखाई दे रही हैं। और शिवम भाई के बात से सहमत हूं कि बीजेपी को महाराष्ट्र में बहुत समस्या नहीं है, क्योंकि बीजेपी को जब वोट पड़ रहा है तो वहां पे नरेंद्र मोदी जी का एक चेहरा सामने आ रहा है, लेकिन जब शिवसेना का कैंडिडेट आ जा रहा है या एनसीपी का कैंडिडेट आ जा रहा है तो वहां पे थोड़ी सी समस्या है, वो सेंटिमेंट थोड़ा उद्धव ठाकरे की तरफ झुकाव रख रहा है। जी, जी उड़ीसा, बताइए शिवम भाई, उड़ीसा। उड़ीसा में 5 सीटें हैं जो चुनाव में जा रही हैं, पांचवें फेज में, बारगढ़, सुंदरगढ़, बोलंगीर, कंधमाल और अस्का। मुझे लग रहा है कि बारगढ़, सुंदरगढ़ और बोलंगीर में बीजेपी अच्छा करेगी, ये सीटें निकल सकती हैं। कंधमाल और अस्का बीजेडी का गढ़ है, तो मेरा एस्टिमेट ये है कि बीजेपी यहाँ पे 3-2 के आसपास कुछ रहेगा। बाकी जैसा चुनाव होता है उस दिन क्या परफॉर्म रहेगा, क्या रिपोर्ट आती है उसके ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल ये 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में मुझे जाती दिखाई दे रही हैं। बाकी 2 सीटों के ऊपर देखना होगा, वहां पे बीजेडी को ज्यादा है तो लगभग लगभग। और ये मान के चलिए ये जो चुनाव है ना, ये कांग्रेस की का अंतिम चुनाव मान के चलिए। चुनाव तो चाहे कितने भी लड़ ले, लेकिन एज अ प्रोमिनेंट फोर्स ये उनका आखिरी चुनाव है, इस पाने के लिए कुछ नहीं है। पिछली बार भी वो 2 सीटों पर ही ज्यादा मैं कह सकता हूँ प्रोमिनेंट तरीके से आगे आई थी, तो यहाँ पर इन 5 सीटों में कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। देखना ही है कि कांग्रेस का जो वोट है किसी सीट पे 1 लाख, किसी पे 1.5 लाख, किसी पे 2 लाख, वो किस तरीके से बीजेपी और बीजेडी में बढ़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर अंडर करंट की बात चल रही है तो वो अंडर करंट नेशनल कांग्रेस के आईएनसी के वोट को बीजेपी की तरफ लाता है, या जो स्वाभाविक बीजेपी का विपक्षी वोटर है, क्योंकि आईएनसी तो विपक्षी है, तो क्या वो बीजेडी की तरफ जाता है, ये देखना होगा। इस चीज पे बहुत डिपेंड करेगा कि कितनी सीटें कहाँ आ रही है, लेकिन फिलहाल इस फेज में 3-2 के आसपास मुझे उड़ीसा में दिखाई दे रहा है। जी गायत्री जी, जी ने शिवम भाई, सॉरी अविनाश भाई, आपका स्टेटमेंट क्या इस पे? शिवम भाई की बात से सहमत हूँ। मुझको लगता है कि कंधमाल सीट भी बीजेपी के निकल सकती है इस बार। इन लोगों ने बहुत वहां पे मेहनत किया है, और कांग्रेस के जो छोटे लेवल के वहां पे नेता थे उनको भी बीजेपी तोड़ करके अपने पार्टियों में यहाँ पे शामिल किया है। तो 3 या 4 यही हो सकता है, 5 सीट तो नहीं जीत सकती है, अस्का तो नहीं अस्का जीतेगी, वाले निकलना। अस्का तो नामुमकिन है। जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अविनाश भाई आपसे शुरू करूंगी, उत्तर प्रदेश। देखिए, मोहनलालगंज में कोई दिक्कत नहीं है, लखनऊ में कोई दिक्कत नहीं है, अमेठी में कोई दिक्कत नहीं है, रायबरेली में फाइट होगी, जालौन में कोई दिक्कत नहीं है, झांसी में कोई दिक्कत नहीं है, हमीरपुर में कोई दिक्कत नहीं, बांदा में कोई दिक्कत नहीं, फतेहपुर में थोड़ी सी दिक्कत हुई है क्योंकि इनका एक विधायक है उसका बेटा चुनाव लड़ गया है, तो वहां पे थोड़ी स्थिति अप एंड डाउन है, लेकिन बहुत दिक्कत की बात नहीं है। कौशाम्बी भी ठीक है, बाराबंकी ठीक है, फैजाबाद में अच्छी खासी फाइट होगी, कैसरगंज कोई मतलब नहीं है, ब्रिजभूषण शरण सिंह, गोंडा में भी कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे एक सीट रायबरेली और जो एक टफ फाइट में फंस रही है वो फतेहपुर, अदरवाइज यहाँ पे विपक्ष के लिए कुछ नहीं। जी शिवम, जी, मैं उत्तर प्रदेश के लिए कहूंगा कि रायबरेली में फिलहाल आज के समय में जिस दिन हम बात कर रहे हैं, मैं इसे कांग्रेस को दे रहा हूँ, ये सीट कांग्रेस की तरफ जाती दिखाई दे रही है। लोग एनालिस्ट देखिए, एनालिस्ट बहुत लोग लगे हुए हैं, लेकिन मुझे फिलहाल ऐसा लग रहा है कि रायबरेली कांग्रेस की तरफ जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वहां मनोज पांडे थे, वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे, अमित शाह को घर जाना पड़ा, मनाना पड़ा, कितना माने नहीं माने वो चुनाव के दिन पता चलेगा। उसके बाद अदिति सिंह वहां से विधायक है, वो मुझे नहीं लग रहा कि वो राहुल जो दिनेश प्रताप सिंह है बीजेपी के कैंडिडेट उनके साथ खड़ी है, क्योंकि उनके पिता का उनका 36 का आंकड़ा था, उन्होंने अब तक उनके लिए कोई पोस्ट नहीं की, कोई समर्थन नहीं किया, कोई सी रैली में नहीं गई, यहाँ तक कि आज वो क्या उनका नाम क्या राजनाथ सिंह की रैली में लखनऊ में थी, चुनाव रायबरेली में चल रहा है, वहां का विधायक छोड़कर लखनऊ में बैठा है, तो साफ साफ है कि वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये चीजें जो है राहुल गांधी के पक्ष में जा रही है, राहुल गांधी मुझे सीट पे अभी वो अपर हैंड उनका लग रहा है, मुझे लग रहा है कि रायबरेली की सीट उन्हें जा रही है। तो बीजेपी इस फेज में 12-14 या 13-14 के आसपास मुझे दिख रहा है, रायबरेली मुझे अभी बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है।
बाकी कैसरगंज जैसी चीज सीट है, अगर इस पर भी डिस्कशन करना लगे करना पड़े तो मुझे लग रहा है कि फिर तो ये तो समय की वेस्टेज है। तो बीजेपी यहाँ पर फिलहाल 13-14 और 12-14 के आसपास अगर फाइट होती है कहीं, वैसे मुझे 13-1 ही लग रहा है, 13-1 रहेगा, 13 बीजेपी और 1 कांग्रेस। जी जी लास्ट वन वेस्ट बंगाल अविनाश। देखिए बैरकपुर ठीक है, हावड़ा बीजेपी के लिए ठीक नहीं है, और हुगली में भी बीजेपी के लिए ठीक नहीं है, आरामबाग में बीजेपी ठीक है, फाइट में आ सकती है, लेकिन ये 7 सीटों में से मुझको लगता है कि 50-50 की फाइट है, आधी टीएमसी की तरफ जा सकती है, आधी बीजेपी की तरफ आ सकती है, या ऐसा हो सकता है कि टीएमसी 3 जीते बीजेपी 4 जीते। अगर यहाँ की बात किया जाए, यहाँ पे टीएमसी ठीक ठाक है, अब चूंकि बीजेपी को जो बंगाल में मुस्लिम वोटर्स का जो थ्रेड है उसको तोड़ना पड़ेगा हिंदू वोटरों के मेजोरिटी से, उस हिंदू वोटरों की मेजोरिटी में अगर बीजेपी बड़ा सेंध नहीं लगाती है, खासकर पर्टिकुलरली 7 सीटों की बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है। और यहाँ पे बहुत क्या बोलते हैं अग्रेसिव कार्यकर्ता है टीएमसी के पास, और बीजेपी के पास उस तरीके के कार्यकर्ता नहीं है इन सीटों पे, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस फेज में बंगाल में। जी जी तो ओवरऑल हम कितना दे रहे हैं बीजेपी को इसमें, इस वक्त 50 सीट्स पर चल रहा है इलेक्शन जी, तो, बंगाल पे मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। जी श्योर। हाँ, बंगाल में इस फेज में मुझे बीजेपी 4 और टीएमसी 3 ही दिखाई दे रही है, जैसे बनगांव, बैरकपुर, हुगली और आरामबाग, इसमें बीजेपी को एज है, बाकी तीनों में टीएमसी को एज है, और टीएमसी लगभग वो सीटें जीत रही है, आप इस तरीके से मान के चलिए, क्योंकि डेमोग्राफी ऐसी है, उसे बीजेपी वहां पे कंटेस्ट नहीं कर पाएगी। और जो पिछली फेज हुआ था उसमें भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, जिस हिंदू कंसोलिडेशन की बात अविनाश जी कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है 40% बीजेपी लड़ रही है और 60% वहां का हिंदू समाज लड़ रहा है। हिंदू समाज जहां बीजेपी का कैडर नहीं है, जहां बीजेपी नहीं है, या बीजेपी हो सकती थी फिर भी नहीं है, वो उस तरह का कॉन्टेस्ट नहीं दे रही, तो वहां का हिंदू समाज कंसोलिडेट होके अपने आप से आगे बढ़कर वो चीजें कर रहा है। जैसे बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें वो आगे बढ़ के अपने आप लड़ रहा है, जैसे कृष्णानगर वाली सीट है, मैं उससे बार बार इसलिए बात करता हूँ कि वो थोड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, वहां पर भी फिलहाल 50-50 चांस चल रहा है, खबरें ऐसी हैं, बाकी तो ईसी और वहां का लोकल प्रशासन इसे पुष्टि करेगा, वहां के लोकल लोगों से बात हुई, तो बांग्लादेश से भी कुछ लोग ऐसे बुलाए गए थे जिन्होंने वोट डाला है, वोटिंग हुई है। टीएमसी के कैंडिडेट्स ने यह भी कराया कि जैसे ही वोट डाल के आप बाहर निकल रहे हो तो आम के एक एक थैली आपको दे रहे हैं, तो इस तरीके से भी वहां पर टीएमसी मैनेज कर रही है, डरा रही है, सब काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो हिंदू वोट है वो कंसोलिडेट हो रहा है, वो वहां पर बढ़ चढ़कर वोट डाल रहा है, और पिछला फेज भी बीजेपी के लिए अच्छा रहा और ये फेज भी बीजेपी के लिए अच्छा ही रहने वाला है। तो बंगाल में आप ये मानिए बीजेपी ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियां लड़ रही है, वहां का हिंदू समाज लड़ रहा है अपने अस्तित्व के लिए, और वो देख रहा है कि किस तरह से यहाँ पे चीजें खराब हो रही है, और जो टीएमसी से जुड़ा हुआ हिंदू समाज है वो भी अब बीजेपी की तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है लेकिन उसमें टूट है, इसलिए ममता बनर्जी एंड गैंग में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। और मैं जिस की चीज की बात कर रहा था कि कल एक बड़ी न्यूज मैं आपको दे सकता हूँ, तो खबर ऐसी है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम भूल रहा हूँ, पिछली बार की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें से शायद एक, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, बशीरहाट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो लास्ट फेज में जाएगी उसमें टीएमसी के कैंडिडेट का कैंडिडेचर रद्द भी हो सकता है, क्योंकि उसने एक एनओसी नहीं जमा की है जिस एनओसी की जरूरत है, तो अगर वो ईसी उस पर एक्शन लेता है और बीजेपी उसके ऊपर बात उठाती है तो हो सकता है कि बशीरहाट की सीट से टीएमसी के कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल भी हो जाए। उन्होंने ऑलरेडी निर्दलीय कैंडिडेटों से बात करना शुरू कर दिया है कि अगर ऐसी स्थिति वहां उत्पन्न होती है, बशीरहाट वही सीट है जहां संदेश खली आता है, तो हो सकता है कि किसी निर्दलीय को टीएमसी सपोर्ट करके वहां चुनाव में आगे बढ़ जाए। अभी देखते हैं कि किस तरीके से वो चीजें रोल आउट होती है, लेकिन फिलहाल उस एनओसी का मुद्दा लोकल लेवल पे गरमाया हुआ है बशीरहाट की सीट। जी रहती जी, इसी के साथ लास्ट के 5 मिनट, इस वक्त कौन कौन सी मेजर पर्सनालिटीज हैं जो इलेक्शंस में इस वाले 5th फेज में आ रही है? राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर आता है रायबरेली में, और जब राहुल गांधी का नाम आता है तो साथ में ऑब्वियसली स्मृति ईरानी का नाम आ ही जाता है। जी अविनाश भाई, देखिए राहुल गांधी से बढ़िया पर्सनालिटी इस फेज में कहां कोई मिल सकती है, लेकिन इस फेज में सब अद्भुत पर्सनालिटियां चुनाव लड़ रही हैं अगर आप देखेंगे तो। देखिए राहुल गांधी
दिनेश प्रताप सिंह भी पहले इन्हीं लोगों के खेमे के हुआ करते थे, चूंकि बीजेपी की विधायक जो है आदित्य सिंह वो भी कांग्रेसी थी पहले, तो उनसे और दिनेश प्रताप सिंह के परिवार से इनके पिता के जमाने से मतलब 36 का आंकड़ा है, तो वो उसको निभा रही हैं और वो वहां पे चुनाव प्रचार में अग्रणी नहीं। किशोरीलाल शर्मा 40 साल तक गांधी परिवार की सेवा करने के बाद वो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो अप्रत्याशी थे, किसी ने नहीं सोचा होगा। राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, दो बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े नेता, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। पीयूष गोयल भी चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान बिहार में पॉपुलर हैं, देश में भी पॉपुलर हैं, वो भी बड़े नेता हैं। करण भूषण सिंह तो पॉपुलर नहीं है, लेकिन इनके पिता ब्रिजभूषण शरण सिंह बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं और उनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, तो वो भी हैं। राजीव प्रताप रूड़ी हैं। रोहिणी आचार्य का बहुत कुछ मुझको लगता नहीं है कि बहुत असर कर पा रही हैं। उमर अब्दुल्ला हैं, ये भी भाई अब्दुल्ला परिवार के चश्म चिराग हैं, तो इनको भी आप बड़ा मान सकते हैं, बड़ा नेता है जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के संदर्भ में। और अरविंद सावंत हैं, उज्जवल निकम है, उज्जवल निकम के बारे में बताया है कि इन्होंने बहुत सारे केसेस लड़े हैं, जिसमें से कसाब का केस बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये लोग ठीक है, ये पर्सनालिटी है, लेकिन इसमें आप मान करके चलिएगा कि और कहीं तो बहुत किसी को दिक्कत नहीं। एक रोहिणी आचार्य को मुझको दिक्कत लगती हुई दिखाई दे रही है, किशोरी लाल शर्मा दिक्कत में ऑलरेडी है, और बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह दिक्कत में है। जी जी शिवम जी, बिल्कुल सही है, यही सब, ये तीन चार लोग ही हैं जो दिक्कत में हैं, बाकी सब जितनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है वो जीतने जा रही है। तो अभी इस फेज में लगभग 38 से 40 सीटें आउट ऑफ 49 एनडीए अलायंस जीत रहा है, और ये कंजर्वेटिव फिगर है, जहां मैंने शिवसेना की भी सीटें घटा ली, लद्दाख वाली सीट भी हटा ली जो बीजेपी को आ भी सकती है, तो इस तरीके से लगभग 39 के आसपास या 40 के आसपास एनडीए को इस फेज में आती दिखाई दे रही है। बाकी उस दिन वोटिंग कैसी होती है, किस कितनी परसेंट वोटिंग होती है, क्या क्या रिजल्ट आती है, उस दिन और पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन ये फेज भी बाय एंड लार्ज एनडीए के पक्ष में एक अच्छी तरीके से, मतलब अगर 50 में से 40 सीटें वहां जा रही हैं, यानी आप मानिए लगभग 80% सीटें एनडीए अलायंस को अगर इसमें जा रही है, तो बहुत अच्छा फिगर, जो 270-72 हम पहले ही दे रहे थे उसमें से आप 40 और एड कर लीजिए, 310 के आसपास एनडीए आकर रुक रहा है, 310-312 के आसपास। देखिए एक दर्शक हैं, उन्होंने भी एक कमेंट बहुत अच्छा किया था कि उड़ीसा में 4-1 से बीजेपी जीत रही है, जिसमें उन्होंने भी अस्का वाली सीट को निकाल दिया था, जो हम लोग बता रहे थे वही सीट कर रहे थे, संभवतः वो भी वहीं से के रहने वाले हैं। डिंडोली सीट को लेकर के कोई दर्शक कह रहा था कि वो बीजेपी हार सकती है, डिंडोली जो महाराष्ट्र की सीट है, और नासिक को लेकर के कह रहे थे, तो इसपे हम लोगों को भी थोड़ा सा शक है। एक हैं केसी शर्मा जी, अब कहाँ से हैं, ये बोल रहे हैं कि कंधमाल भी मुश्किल में। देखिए चुनाव में सब चीज मुश्किल में होता है, अगर चुनाव में मुश्किल में सीटें नहीं हो, मुश्किल में नेता नहीं हो, तो चुनाव लड़ेंगे शिवम भाई, बताइए आप। अगर राहुल गांधी मुश्किल में नहीं होते, तो पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा नेता, दो दो पूर्व मुख्यमंत्री वहां पे उतार दिए गए हैं रायबरेली में, क्यों उतारे गए हैं? जाहिर सी बात है कि भाई डिंपल यादव, अखिलेश यादव का घर, अखिलेश यादव का गढ़ था वहां पे, अखिलेश यादव सहित पूरा पार्टी का आदमी, मतलब सोच लीजिए जिस व्यक्ति को आजमगढ़ से टिकट दिए वो भी बेचारा जाकर के डिंपल भाभी की सीट पे प्रचार कर रहा है। तो चुनाव टफ ही होता है, और चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना चाहिए, और कम से कम 5 साल में एक बार जनता के बीच तो दिखना भी चाहिए, जनता को लगेगा तो यही नेता है हमारे तरफ के, अदरवाइज तो लोग पहचानते भी नहीं बहुत सारे नेताओं को कि ये नेता है क्या हमारे यहाँ के। अब राजनाथ सिंह जी लखनऊ में मेहनत कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, जबकि श्योर शॉर्ट सीट है ये, कोई यहाँ पे बीजेपी को प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो होना ही चाहिए। अब दूर से बैठ करके आदमी मेहनत को देख करके भी कह सकता है कि भाई यहाँ पे मुश्किल है, क्यों शिवम भाई? अब बाकी लोकसभा चुनाव है, 1000, 2000, 5000 वोट का कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, जैसे पिछली बार बीजेपी 181 वोट से मछली शहर की सीट जीत गई थी, तो ये तो कोई तांत्रिक ही प्रेडिक्ट कर सकता है, एनालिसिस करने वाले तो नहीं ही कर सकते हैं, क्यों शिवम भाई? बिल्कुल सही कहा कि जैसे लगता है उन्हें मेहनत करनी चाहिए। मैं जैसे आज ही एक स्क्रॉल कर रहा था, ट्विटर फीड पे आ रहा था, तो जो नेता मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करता हुआ कोई दिखाई दिया पिछले 5 साल में, वो संबित पात्रा है। जो बाहरी का ठप्पा था उस व्यक्ति ने जिस तरीके से हटाया है पूरी के अंदर और मेहनत करी है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो अलग चीज है, वो क्या किस तरीके से वो अपनी स्पोक्स पर्सन थे, अच्छा था जो भी था,
लेकिन अगर उस सीट पे बात करूं तो उस व्यक्ति ने निरंतर मेहनत की है, 2-3 साल में तो कम से कम पिछले जान ही फूंक दी अपने उस चुनाव प्रचार में, तो वो मुझे ठीक है वो आगे आगे आएगा, लेकिन मुझे वो जीत रहे हैं जो भी है। लेकिन संबित पात्रा जैसी मेहनत कर रहे हैं, अगर ऐसी ही मेहनत कन्नौज में भैया करते दिखाई देते या रायबरेली में कोई करता दिखाई देता या कहीं और भी कोई जो विपक्ष के नेता है वो करते दिखाई देते तो रिजल्ट बहुत अलग हो सकता था, कॉम्पिटिटिव चुनाव और हो सकता था। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और ये सब लोग अगर ये मान के चल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो लग रहा है विपक्ष को भी थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। और विपक्ष की जो सबसे बड़ी कमी मुझे इस चुनाव में ये लगी, वो एक मुद्दे पे नहीं रुके, उनके गोल पोस्ट चेंज होते रहे। आप एक चीज को पकड़िए, आपको पहले 5 पॉइंट के एजेंडा बना लेना चाहिए था, उस पर स्टिक रहना चाहिए था और लगे रहना चाहिए था और उस पर बोलते रहो, लेकिन कहना कि वो हर फेज के बाद नया मुद्दा, हर कुछ नया, हर कुछ नया, इसलिए पब्लिक भी कंफ्यूज है, वही कह रही है यही कंफ्यूज है तो ये हमें क्या देंगे। इसलिए बीजेपी के लिए और आसान है, मैं तो ये कहूंगा भगवान अगर किसी को किस्मत देना तो मोदी जैसी दे कि उसे ऐसा विपक्ष दिया है, ये होती है बिल्कुल स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाई हुई किस्मत। तो वही इस चुनाव में हमें सामने दिखाई दे रहा है कि किस्मत हो तो ऐसी हो कि ऐसा विपक्ष हो, वरना तो राजनीति में तो बस आप सारी जिंदगी पापड़ी बेहतर हो। सही बात है, एक व्यक्ति और मेहनत कर रहा है उसको भी क्रेडिट देनी चाहिए, हमारी आजमगढ़ की सीट पे दिनेश लाल यादव निरहुआ, उसने चुनाव हारने के बाद दूसरे मेहनत किया। मैं आपको शिवम भाई एक बात बता दूं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ रहने वाला तो व्यक्ति गाजीपुर जिले का है, 100 किलोमीटर दूर पड़ता है उसका आजमगढ़ से घर, 80-85 किलोमीटर के आसपास। उस व्यक्ति ने एक घर बड़ा सा किराए पे लिया एकदम रोड पे, और आज आजमगढ़ या आजमगढ़ से लगी हुई या जिला मुख्यालय को जाने वाली जितनी भी रोडें हैं उस व्यक्ति ने योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर के और गडकरी जी से मिलकर के पूरी बनवाई है। उसने 1.5 साल का उसका कार्यकाल था, और जो लोग कॉम्बिनेशन में कहते हैं कि मायावती ने ये टिकट दे दिया इसलिए वो जीत गया, वो जीत गया, ऐसे जीत गया, वैसे जीत गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही का हूं और मैं अपने यहाँ की सीटों को बहुत अच्छी तरीके से, इस बार भी फाइट है, होगा क्या रिजल्ट वो एक अलग बात है, लेकिन आप मान करके चलिए कि पहली बार कोई ऐसा उम्मीदवार बीजेपी जो रिपीट कर पा रही है आजमगढ़ सीट पे, आजमगढ़ सीट पे कभी उम्मीदवार रिपीट नहीं कर पाई है बीजेपी, क्योंकि उसको वोट ही 1.25 लाख मिलता था, रिपीट क्या करती ले दे करके। ठीक है, पहले रमाकांत यादव थे जो पहले सपा में थे, सपा से आए हुए थे, वो एक बार सांसद बने लेकिन उनका फैक्टर दूसरा था, फिर वो चले गए, वो उनका काम खत्म हो गया। अकबर अहमद डंपी थे, कभी बसपा से हुआ करते थे, फिर मुलायम सिंह यादव हुए, अखिलेश यादव हुए, लेकिन जो डेडिकेशन के साथ वो व्यक्ति, अब सुनिए, उसने घर लिया और 4 साल टिक करके आजमगढ़ में उसने काम किया, भगा नहीं वो व्यक्ति हारने के बाद, ये नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी हार गए तो रायबरेली भाग जाओ ना, फिर वो व्यक्ति चुनाव जीता, उस व्यक्ति ने आजमगढ़ में जमीन खरीदी और फर्स्ट क्लास का वहां घर बनवा रहा है। तो ये डेडिकेशन, जैसे स्मृति ईरानी ने भी जमीन खरीद करके रायबरेली में घर बनवाया कि ताकि लोग कहें कि उनका तो यहाँ घर ही नहीं है, वो चली जाएंगी, इस तरीके की चीजें। तो जब इस तरीके से चैलेंज मिलता है, आपको क्या लगता है राहुल गांधी को हराना बहुत आसान काम था? बहुत आसान काम नहीं था। अगर स्मृति ईरानी उतना मेहनत नहीं करती ना अमेठी में, तो फिर चाहे योगी बाबा की रैली करा दो, चाहे मोदी जी की रैली करा दो, कुछ होता नहीं। 14 में भी तो रैलियां हुई थी, क्या 14 में कम पॉपुलर थे मोदी जी? 14 में तो बहुत पॉपुलर थे, फिर भी नहीं हुआ वो काम। तो ये जो भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, अगर वो 5 साल लग के क्षेत्र में मेहनत करेगा तो निश्चित तौर पर रिजल्ट निकलेगा। जनता समझती है, चलो भैया रोज दिखता है, बाकी तो क्या है, इसको तो जिताई दो, दिखेगा। जी गायत्री जी, थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू सो मच अविनाश भाई। मैं एक दो और चीजें जोड़ देता हूँ। आजमगढ़ की जो सीट है ना, उसमें एक फायदा सपा को ये रहता है कि वहां पे मुलायम सिंह भी चुनाव लड़े, वो लास्ट फेज में जाती है। उस होता क्या है तब तक, जब तक सारे चुनाव लड़ खत्म हो जाते हैं, मैनपुरी का खत्म, कन्नौज का खत्म, तो पूरा लाओ लश्कर लेके यादव परिवार आजमगढ़ में डेरा डाल देता है, सब वहां पहुंच जाते हैं। तो ये फायदा होता है समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ जीतने में, ये भी फायदा होता है, कुछ डेमोग्राफी मदद करती है। और यूपी में जो लोग ये कह रहे हैं ना कि पिछली बार बसपा और सपा एक साथ थे इसलिए कुछ हो पाया, इस बार अलग हो गए तो बहुत चीजें उस पे है। मुझे पिछली बार भी बहुत शक हुआ कि क्या बसपा का सारा वोट ट्रांसफर हुआ भी था सपा में या नहीं हुआ था, वो नहीं हो पाया था, वो चीजें समीकरण पिछली बार वो सब भी थे, वो भी ध्यान देना है। इस बार बीजेपी को मुझे अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी कम से कम 8 से 10 सीटें बढ़ा रही है, बहुत अच्छा है।
आप मान के चलिए कि ये फेज भी बहुत अच्छा गया, ऑल इन ऑल सब चंगा सी, वापस वही बात। जी थैंक यू सो मच अविनाश भाई, थैंक यू सो मच शिवम। अविनाश भाई का चैनल है की फैक्ट, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा चैनल तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा की फैक्ट, इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम।